नमस्कार। पिछली बार जब मैंने मछली का वीडियो डाला था तो आप में से कुछ लोगों ने कमेंट में लिखा था कि जो मैं कांटे वाली मछली और बिना कांटे वाली मछली के बारे में बता रही हूँ और स्केल्स के बारे में बता रही हूँ, तो ये स्केल्स क्या होते हैं और नहीं स्केल्स होना क्या होता है। तो अभी मैं अपने घर के पास ही खड़ी हूँ और मछली ले रही हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए, कुछ मछलियाँ रखी हुई हैं, जैसे कि आपको पिछली बार भी मैंने दिखलाया था, यह सिंघाड़ा मछली है, उधर रोहू मछली है, उधर कतला मछली है, इधर ये कामन कार मछली है, बाम मछली है और ये वाली तलापिया मछली है जो पहले भी मैं आपको दिखला चुकी हूँ। तो अभी मैं दिखलाती हूँ पहले आपको स्केल्स वाली मछली। जैसे आप देखिए, ये जो मछली है, एक तो ये एकदम बिल्कुल मेरे हाथ से फिसल रही है, तो बिल्कुल ताज़ी मछली है। जैसा मैंने आपको बताया था, इसके जब आप इसको ऐसे खोलिएगा तो ये लाल दिखेगा, अभी बहुत ही कड़ा सा है लेकिन ये भी एकदम लाल है और ये चिकनी है, तो ये बिल्कुल ताज़ी है। और आप देख रहे होंगे इसके जो ये दिख रहे हैं ना, ये स्केल्स हैं, इसको ये लोग निकालते हैं। ये आप देख रहे होंगे यहाँ डिज़ाइन बने हुए हैं, ये एक्चुअली स्केल्स होते हैं जो कि इसमें भी होंगे और रोहू। और ये देखिए, ये मैं उठा रही हूँ, ये स्केल्स ये दिख रहे होंगे आपको। तो इस मछली में कांटा ज़्यादा होगा, तो जब भी हम ऐसी मछली लेते हैं तो हमें बड़ी मछली लेने में और उसका बीज का पोर्शन अगर आप लेंगे तो आपको कांटे वाली मछली भी मिलेगी जिसका स्वाद ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन उसमें कांटे कम मिलेंगे। लेकिन जब भी आप छोटी मछली लेंगे ऐसे स्केल्स वाली, तो आपको कांटे इसमें ज़्यादा मिलेंगे। तो जो लोग मछली खाने का शौकीन है और हमेशा मछली खाते हैं वो ले सकते हैं इसे। और ये ज़रूर देखिएगा कि ये चिकनी हो और इसका जो ये गलफड़ है, जो गिल्स हैं, वो लाल, ये आपको देखना है। अब मैं आपको दूसरी मछली दिखलाती हूँ जिसमें कांटा नहीं होता और जिसमें स्केल्स नहीं होते हैं। जैसे ये देखिए आप, बिल्कुल चिकनी मछली है, ये भी बिल्कुल ताज़ी है और इसमें देखिए आपको कोई भी उस तरह का स्केल्स नहीं दिख रहा है, बिल्कुल चिकनी दिख रही है, चमकीली दिख रही है। तो इसमें एक कांटा होगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कांटा नहीं होगा, लेकिन बीच में सेंटर में एक कांटा होगा। तो जो लोग कांटे वाली मछली नहीं खा सकते इसे ले सकते हैं, लेकिन इसमें एक खराबी ये होती है कि जब आप बिना कांटे वाली मछली को कढ़ाई में तलते हैं तो यह फटती है, तो इसको ढाँक ढाँक के तलना होता है, डर रहता है कि तेल आप पर ना छिटक जाए, तो थोड़ा इसको सावधानी से तलना होता है। लेकिन इसमें कांटा बिल्कुल बीच में मिलेगा। इसी तरह का बिना स्केल वाला मैं एक और दिखा रही हूँ आपको। अब ये देखिए, ये है बाम मछली और इसमें भी देखिए स्केल्स नहीं है। तो अब आप ही बताइए कि ये मछली कैसी हो सकती है, बिना कांटे वाली होगी ना? बिना कांटे वाली नहीं, बीच के सिंगल कांटे वाली होगी। तो इस तरह की मछलियाँ आप ले सकते हैं अगर आप कांटा नहीं खा सकते। अब मैं आपको रोहू दिखलाती हूँ। अब ये है रोहू मछली। अब आप पहचान सकते हैं ना स्केल्स क्या है, यानी कि इसके देखिए आप फिर से ये स्केल्स है। अभी ये निकालेंगे तो मैं आपको निकला हुआ स्केल्स दिखा दूंगी, क्योंकि मैं ये मछली लेने जा रही हूँ और इसे कटवाने पर इसमें हमें कांटा मिलेगा। और चूंकि ये बहुत बड़ी मछली नहीं है इसलिए इसमें कांटा ज़्यादा मिलेंगे। इसके भी बड़े बड़े साइज मिलते हैं, तो अगर आपको कांटे वाली मछली भी खानी है, स्वादिष्ट मछली खानी है और ज़्यादा कांटा नहीं चाहिए, तो आप बड़ी मछली का पेट वाला हिस्सा, यानी कि यहाँ का बीच का हिस्सा लीजिए, तो उसमें आपको कांटे कम मिलेंगे। इस साइड के हिस्से में, पूंछ के हिस्से में कांटा बहुत ज़्यादा होता है, आप ये भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया ये वाला हिस्सा होता है। तो काटना भी, ये देखिए, ये हमने मछली ली है जो 750 ग्राम की मछली है और इसका अभी स्केल्स के लिए आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये स्केल्स हट रहे हैं इसके, थोड़ा हाथ में भैया स्केल्स लेके दिखा दीजिए। और ये देखिए, ये निकल के आ रहे हैं। तो अब आप समझ गए, मुझे लगता है आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि स्केल्स क्या होते हैं और बिना स्केल का क्या होता है। जब हम दूसरी वाली ये मछली लेंगे तो इसके स्केल्स नहीं हटाए जाएंगे, ऐसे ही काटा जाएगा इसको। ये देखिए किस तरह से सारे स्केल्स निकाले जाते हैं। इसमें इन्होंने इस तरह के हसिये का भी इस्तेमाल किया और साथ साथ अभी वो कुछ ब्रश टाइप की चीज है जिससे निकाल रहे हैं। ये करके मिल जाता है तो हमें बनाने में आसानी होती है, क्योंकि अब घर में तो ना हमारे पास ये साधन होता है, ना करना आसान होता है।
ये हमने मछली कटवा ली है और अब इसे ले जा करके साफ करना है थोड़ा। तो आशा है आपकी वो जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया होगा कि स्केल क्या होते हैं या स्केल क्या नहीं होता है, कांटे वाली मछली कौन होती है और कांटे वाली मछली कौन नहीं होती है। तो अगली बार जब आप मछली लेने जाइए तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। अगली बार एक और वीडियो में मिलूंगी कुछ और ज़्यादा जानकारी के साथ या एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए